नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे लाभ हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को हल करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है 1470 रुपये में 16 से 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इस प्रश्न में हमको क्या बताना है, क्रय मूल्य दिया है, हमें विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है कितने प्रतिशत है, 16 से 2/3% का लाभ पर बेची गई है। तो ये जो प्रतिशत में लाभ दिया है इसको क्या हम भिन्न में बदल लेते हैं, फ्रैक्शन में। तो देखिए कैसे करेंगे, ये जो 16 से 2/3% है तो बराबर इसे लिखेंगे 16 × 32, 16 × 48 और इसे 2 जोड़ देंगे 49 और ये हो गया 50। तो 50/3 हो गया। अब इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो 100 का कर देंगे गुणा, तो 50 × 100 बराबर हो गया 1/6, 3 × 6। तो ये भिन्न में बदल गया। अब देखिए क्या दिया है, हमें विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना है। तो इसे हम क्या मिल लेते हैं, क्रय मूल्य, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य और ये हो गया लाभ। ये क्रय मूल्य, ये लाभ। तो क्रय मूल्य अगर 6 है और 1 लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 7। विक्रय मूल्य बराबर हो गया 7 के। तो 7 कितने के बराबर है, वो है 1470 के बराबर, 1470 के बराबर है। तो इसे हम 1 निकालेंगे, 1 तो ये 1470 में क्या है, 7 का दे देंगे भाग। तो 7 × 14, 7 × 1 = 7 और 0 × 0 आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट मान लेते थे, 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 210 के। अब हमें निकालना कितना है, क्रय मूल्य 6, तो 6 यूनिट के बराबर, 1 यूनिट कितना है 210 का, तो 210 का 6 में कर देंगे गुणा, तो बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 6 × 210 बराबर हो गया 0 आ गया, 6 × 6, 6 × 2 = 12, 1260 रुपया। तो ये क्या हो गया हमारा, क्रय मूल्य। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, अगर वह इसको 750 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे 7% का फ़ायदा होता है, प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य जो क्या था। यानी कि कोई व्यक्ति है, पहले किसी वस्तु को 9% हानि पर बेच रहा था, फिर उसने क्या किया, उसको 750 रुपये अधिक में बेच दिया। तो 750 अधिक में बेचा तो उसका हानि की बजाय उसको 7% का फ़ायदा हो गया। तो अब हमें बताना है कि उसका क्रय मूल्य जो क्या था, क्रय मूल्य क्या था। तो देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100 के बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। पहले उसने हानि पर बेचा, यानी कि 9% हानि पर बेची तो कितने में बेचा होगा, 91 में, ठीक है। फिर क्या क्या, उसने उसको 7% लाभ पर बेच दिया, 750 अधिक में बेचा तो वो 7% का उसको क्या हो गया, लाभ। तो ये कितना हो गया, 107। अब इन दोनों का जो है अंतर हो गया वो कितना आ गया, प्लस में आ गया 16, 9 और 7 = 16। अब 16 यूनिट मान लेते हैं, ऐसे यूनिट 16 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 750 रुपये के बराबर। अब 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर होगा, 750 और बटा में 16। अब 16 से इसको काट देंगे तो देखिए इसको काटेंगे 16 × 64, 4 चार फिर कट जाएगा 6 × 8 और यहाँ रह जाएगा 7 × 5, ऐसे कट जाएगा 46 × 8 = 7 बार कट गया। अब क्या हमें निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है, 100 के बराबर है, सौ गुणा 46 = 46.875,
बराबर दो अंक बाद दशमलव इधर बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 का गुणा करेंगे, दो अंक दशमलव इधर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 46, 4,687.5 रुपया। ये था वस्तु का क्रय मूल्य, ये हो गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, अगर वह इसको 4,248 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अभी जो मैंने प्रश्न किया था उसी प्रकार से भी हल करेंगे। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100 के बराबर होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 7% लाभ पर बेचता है, तो इसने क्या लाभ पर बेचा, यानी कि मतलब 107 में लाभ पर बेच दिया, बेचता है। अगर वह इसको 4,248 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता, 13% का। पहले कितने का हो रहा था, 7% का। अगर उसे 4,248 रुपये ज़्यादा में बेचता तो लाभ कितना हो रहा है, 13% का। तो बाद में कितना हो रहा है, वो हो रहा है 13% का, यानी कि 113। तो इन दोनों का जो अंतर हो गया वो कितना आया, 13, 7, 6, 13, 6 का। 6 का जो अंतर आया वो यूनिट है, यूनिट मान लो, इसे समझ में आएगा अच्छे से। यूनिट वो कितने के बराबर है, वो 4,248 के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर है होगी, वो होगी 4,248 बटा में आ जाएगा 6, 6 से काटेंगे, 6×7=42 और 6×0 हो जाएगी, और 6×8=48, 708, 708 के बराबर हो गया। अब हमें निकालना क्या, क्रय मूल्य 100% के, 100 यूनिट के बराबर। तो 100×708 बराबर हो गया 70,800, गुणा कर देंगे 100 का तो 200 इधर बढ़ जाएंगे, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।